हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक न्यू टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं ना कि मैं यूट्यूबर नहीं बन पाया, मैं ऑनलाइन पैसा नहीं कमा पाया। तो मैं उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत नॉर्मल बात है। अगर ये चीज़ तुम अच्छे से समझ सकते हो, अगर समझ जाते हो, तो फिर तुम ऑनलाइन क्या कहीं से भी कैसे भी पैसे कमा सकते हो। फिर वो 5,000 हो, 10,000 हो, बस फ्री नहीं रहोगे, कुछ भी कमाओगे, लेकिन कमाओगे ज़रूर। लाइक मैंने भी स्टार्ट किया था जब मैं भी कुछ नहीं कमाता था, लेकिन आज मेरे पास सोर्स हैं। मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, मेरे 3-3 चैनल 3 सालों में बंद हुए, तो क्या मैंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, मैं फिर भी करता रहा। यूट्यूब चैनल बनाई, यूट्यूब पर काम किया, यूट्यूब के बारे में सीखा कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है, कैसे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, कैसे वीडियो बनाने के लिए कैमरे के सामने बोला जाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले बोल पाता था क्या? मैं नहीं बोल पाता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था कैसे बात करना है, कैमरे को कैसे फेस करना है, नहीं समझ में आता था। लेकिन आज समझ में आता है, क्योंकि आज कैमरा फ्रेंडली हम हो चुके हैं, क्योंकि 7-8 साल इस फील्ड में हमको हो गया है। आज मेरे चैनल पर 70,000 सब्सक्राइबर है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो कोई अदर मैटर, कोई मैटर नहीं करता वो मेरे लिए, क्योंकि मैं अर्निंग कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है और दे रहा है, आज भी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है या सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, तो यूट्यूबर बनने के लिए सिर्फ 4,000 घंटे को फॉलो मत करो, 1,000 सब्सक्राइबर को फॉलो मत करो। आप पहले ये समझो और ये सोचो कि आपको लाइफ में आगे और क्या करना है। क्या सिर्फ आपको 4,000 घंटे ही कंप्लीट करना है, 1,000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट करना है? क्या ये दोनों टारगेट कंप्लीट होने के बाद आपका चैनल ग्रो हो जाएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्या ये दोनों कंप्लीट करने के बाद, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद, क्या पैसा कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे। अगर आपका खुद का वाई क्लियर नहीं है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप यूट्यूब पर काम करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डिपेंड मत रहो कि मुझे यूट्यूब ही सब कुछ देगा, ऐसा नहीं। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज आपको पता है मेरे चैनल का व्यूज़ कितना डाउन है। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड रहता तो आज मैं समझो बर्बाद हो जाता, लेकिन नहीं, मेरे पास सोर्सेस हैं, मैंने सोर्सेस बनाए, इन्वेस्टमेंट की और आज मैं अर्न कर रहा हूँ। अभी मेरा काम है यूट्यूब चैनल बाय सेलिंग का, ये कोई छोटा काम नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम है, लोगों को पता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ 90% बड़े बड़े यूट्यूबरों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि यूट्यूब चैनल बाय सेल होते हैं, क्या काम होता है, और ऐसे ऐसे काम है यूट्यूब के अंदर जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी नहीं जानते हैं, और हम उसको फॉलो करते हैं, हम जानते हैं। आपको पता है मेरे पीछे देखो सिल्वर प्ले बटन दिख रही है, मेरे चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी मेरे पास सिल्वर प्ले बटन कैसे आई? दिमाग लगाओ, बहुत कुछ है करने को, बस करने का तरीका होता है। अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल परचेस करता हूँ। अगर किसी को भी यूट्यूब चैनल सेल करना हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8141337870, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, आ जाओ। बस आप अपने चैनल का मुझे मैनेजर दे दो, जिससे मैं देख पाऊँ, और मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ भाई। इतनी अच्छी अगर थोड़ी बहुत वैल्यू मेरी मार्केट में बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, तो मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा सीन हो गया था। एक यूट्यूबर था जो अपने चैनल को सेल करना चाहता था, लेकिन वो मुझे एक्सेस नहीं दे रहा था। मैंने बहुत विश्वास दिया उसको, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। बहुत से लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, मुझे जानते हैं, वो एक्सेस दे देते हैं और मैं लेता भी हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि यूट्यूब का कुछ प्रोसेस है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का 7 डेज़ का, तो मेरे पास अगर चैनल रहता है 7 दिन में मेरे पास आ जाएगा, तो मैं पेमेंट तो वैसे भी कर दूंगा। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, अभी मुझे चैनल चाहिए मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड वाले, 1,00,000 सब्सक्राइबर हो या उससे ज़्यादा भी हो चलेगा, मोनेटाइजेशन ऑफ हो, नॉन मोनेटाइज हो, गूगल एडसेंस परमानेंट डिसेबल्ड हो, ऐसे चैनल मुझे खरीदने हैं। अगर आपके पास है तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना।